नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा आप लोगों ने अभी तक सुना होगा और देखा भी होगा, काफी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, ये जो AIBE का एग्जाम हुआ है इसमें जो फाइनल आंसर की आई हुई है इसमें क्या हुआ है कि दो आंसर डिलीट कर दिए गए हैं। तो बहुत से लोगों को उसमें कमेंट आए हैं, वो कमेंट क्या है कि ये जो दो आंसर डिलीट हो गए हैं उसमें क्या होगा, मतलब कि दो आंसर जो डिलीट हो गए हैं तो क्या अब हमारे दो नंबर कम आएंगे तो भी पास हो जाएंगे या दो नंबर ज्यादा आएंगे तो पास होंगे। बहुत से लोगों में दोस्तों ये कंफ्यूजन बनी हुई है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है कि क्या होगा तो लोग विद्वान बने बैठे हुए, पर जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट आया हुआ है। तो मेरा ये काम ही है कि जो लोग को नहीं मालूम है उनको भी मालूम हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं पहले भी आप लोगों से बताया हूं कि अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस या किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए कृपया मेरे वीडियो में कमेंट करिए। अगर छोटा मैटर है तो मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए एक वीडियो का पैकेज बना करके दूंगा। जो मैं आज ये बड़ा मैटर आया हुआ है तो ये वीडियो का पैकेज बना करके दिया हूँ। मैं चाहता तो कमेंट में भी लिख कर उनको बता देता पर एक आदमी को मालूम होता उससे क्या होता कि औरों को नहीं मालूम होता, तो इसलिए मैं समझा कि एक वीडियो बना देता हूँ जिससे कि सभी लोगों तक ये बात पहुँच सके। क्योंकि जब से ये नई आंसर की फाइनल आंसर की रिलीज की गई है उस समय से बहुत से लोगों में ये भ्रम है कि हम 38 नंबर में पास होंगे कि 42 नंबर में पास होंगे, दो नंबर कम कर दिए गए तो दो नंबर इधर घटेंगे कि दो नंबर इधर बढ़ेंगे, ये दो नंबर की जो बात है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ना 38 नंबर में पास होंगे और ना 42 नंबर में पास होंगे। पास आप कितने नंबर में होंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ, मगर आप लोग गौर से वीडियो को सुनिएगा क्योंकि अगर आप लोग गौर से नहीं सुन पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों को मालूम हो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है क्योंकि बड़ा मैटर नहीं छोटा मैटर है, पर ऐसा है कि जो चीज इंसान को नहीं मालूम होती है उसके लिए मैटर बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर किसी को ABCD नहीं आ रही है तो उसके लिए ABCD बहुत महत्व रखता है, और जिसको आ रही है उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ कि जिनको नहीं मालूम है कि जो नई फाइनल आंसर की आया है उसमें दो क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं तो अब हमारी पासिंग मार्क कितने में होगी। जो 40 में थी, जो जनरल वाले थे उनके 40 में थी, जो भी अदर वाले थे उनकी 35 में थी, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों गौर से सुनिएगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब आप लोग न तो 38 में आप सोच रहे होंगे दो नंबर वो हो गया तो 38 में पास हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको दोस्तों 39 नंबर पास होंगे, 39.2 आ रहा है, 39.2। तो अगर आपको 39 नंबर आ जाएंगे तो दोस्तों आप पास हो जाएंगे। तो जिन लोगों का ये भ्रम बना हुआ था कि 38 में पास होंगे तो 38 में ना पास होंगे और ना 42 में, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट ये भी आया कि क्या सर जी 42 नंबर लाने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। ओनली आपको 39 मार्क्स लाना है, अगर 39 मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसमें पासिंग उसमें सिर्फ क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई लिख के आता है, इसका परसेंटेज का कोई महत्व भी नहीं होता दोस्तों, ये बात समझ लीजिए। तो अगर दोस्तों आपके 39 मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।